नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड के ढेर सारी वीडियोस और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें साउथ इंडियन सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का सम्मान होता दिख रहा है। इन्हीं वीडियोस में से एक वीडियो ऐसा है जिसमें अल्लू अर्जुन भारत के तिरंगे को हाथ में लेते हैं और पुष्पा स्टाइल में कहते हैं, ये भारत का तिरंगा है, कभी झुकेगा नहीं। अमर शहीद रामफल मंडल का 69वां शहादत दिवस समारोह आज पटना में मनाया गया। इस समारोह का उद्घाटन जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया। इस दौरान उन्होंने मौजूद नेताओं के साथ शहीद रामफल को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत को स्वतंत्र दिलाने में इन्होंने एक अहम योगदान निभाया था। राजस्थान के हनुमानगढ़ में वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-35 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पुलिस के मुताबिक भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर तकनीकी की वजह से खराब हो गया था, जिसकी वजह से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक खेत में उतारा गया और इमरजेंसी लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर के क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान को लेकर जीतनराम मांझी की पार्टी हमने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह जैसे लोग बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जब सरकार में थे तो मुंह पर टेप साट कर घूमते थे और जब सरकार से बाहर हो गए हैं तो उन्हें बिहार में सिर्फ कमियां नजर आ रही हैं। ब्रिटिश एयरवेज ने सोमवार को हिथ्रो हवाई अड्डे पर कोरोना के दौरान हुई भारी नुकसान को झेलने के कारण हजारों उड़ानें रद्द करने की योजना की घोषणा की। एयरलाइंस यूके के सबसे बड़े एयरपोर्ट से लगभग 10,000 फ्लाइट्स को हटा देगी। बताया जा रहा है कि समर शेड्यूल से 600 से ज्यादा वापसी उड़ानें 29 अक्टूबर तक रद्द रहेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के साथ पटना में बन रहे विधायकों और मंत्रियों के लिए नए भवनों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान गया के विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम मंत्री के प्रवेश पर बीजेपी की आपत्ति पर तेजस्वी ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम करना तो भड़का झूठा पार्टी यानी बीजेपी का काम है, हम तो सभी को साथ लेकर चलते हैं। एशिया कप 2022 की शुरुआत होने से पहले टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में यह मैनेजमेंट के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बता दें कि राहुल को जिम्बाब्वे दौरे से पहले आराम दिया गया था। उनकी जगह VPS लक्ष्मण को इस दौरे के लिए टीम का कोच नियुक्त किया गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार तुष्टीकरण की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में उद्योग धंधे स्थापित हो रहे थे लेकिन RJD का नाम सुनते ही सब खत्म हो गया। अब तो CM नीतीश के चेहरे की मुस्कुराहट भी चली गई है। ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के कान में जहर डाल दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एलोपैथी और COVID-19 के इलाज पर योग गुरु बाबा रामदेव के बयानों को लेकर बुधवार को कहा कि वे जनता को गुमराह न करें। साथ ही NV रमना ने कहा है, बाबा अपने सिस्टम को लेकर लोकप्रिय बन सकते हैं लेकिन अन्य की आलोचना क्यों करना, हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया है लेकिन उन्होंने अन्य व्यवस्थाओं के बारे में गलत कहने से बचे। भाजपा विधायक टी राजा की विवादित टिप्पणी पर AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा मुस्लिमों और पैगंबर मोहम्मद से नफरत करती है। मैं भाजपा विधायक के बयान की निंदा करता हूं। ये लोग हैदराबाद में शांति कायम होते नहीं देख सकते। हमसे राजनीतिक लड़ाई जरूर लड़ो लेकिन इस तरह नहीं। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का गोवा में बीती रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने बिग बॉस 14 में भी हिस्सा लिया था, जिसके बाद वो काफी चर्चा में रही। ये साल 2015 से एक्टिंग में सक्रिय रही हैं। बता दें कि मौत से कुछ देर पहले ही सोनाली ने अपने सोशल मीडिया पर बैक टू बैक कई सारे पोस्ट शेयर किए थे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय ने सोमवार को इसे लागू करने की तिथि भी तय कर दी है। मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार पेट्रोलियम टैंकर से लेकर ऑक्सीजन कंटेनर में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस फिट करना अनिवार्य है। कोरोना में कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। बता दें कि बीते 24 घंटे में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस के देश भर में केवल 8,586 नए मामले सामने आए हैं। वहीं रिकवर होने वालों की संख्या 9,680 है। देश में अब तक कुल 4,37,33,624 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में अभी डेली पॉजिटिविटी रेट 2.19% है।
भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने चोट के कारण आगामी यूएस ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने इसकी जानकारी इंस्टाग्राम से दी है। उन्होंने बताया कि 2 हफ्ते पहले उन्हें कनाडा में चोट लगी थी। जब उन्होंने स्कैन कराया तो पता चला कि उनकी कोहनी में गंभीर चोट है और ठीक होने में कई सप्ताह लगेंगे। इसके बाद उन्होंने यूएस ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है और चोट की वजह से उनके संन्यास के प्लान में बदलाव होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मिशन के लिए समर्थन मांगने के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन से उनके आवास पर मुलाकात की। मंत्रालय ने शिक्षा, इंजीनियरिंग, प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है। देश की दूसरी बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर इंफोसिस ने मार्जिन में कमी और कर्मचारियों की उच्च लागत के बीच जून तिमाही के लिए कर्मचारियों के औसत वेरिएबल पे को घटाकर लगभग 70% कर दिया है। इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने भी कुछ कर्मचारियों के तिमाही वेरिएबल पे को 1 महीने के लिए टाल दिया है। इंफोसिस का मुनाफा 3.2% बढ़कर 5,960 करोड़ रहा है। भारत में मोबाइल फोन की कीमत जल्द बढ़ सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मोबाइल फोन में उपयोग किए जाने वाले कंपोनेंट्स के आधार पर कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगाई जा सकती है, जिस वजह से मोबाइल कंपनियां खरीदारों पर एक्स्ट्रा कास्ट का बोझ डाल सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को पराग्वे के विदेश मंत्री जूलियो सीजर एरियोला के साथ संयुक्त प्रेस बयान में कहा, आज हमने बहुत सार्थक बातचीत की, हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की, हमने विकास, व्यापार, विकास, साझेदारी और निवेश को लेकर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के अलावा ऐसे कई अन्य क्षेत्र है जहां दोनों पक्ष मिलकर काम कर सकते हैं, जैसे संस्कृति, नागरिक समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा और पारंपरिक चिकित्सा। श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त पॉल स्टीफन्स ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा, श्रीलंका की नौसेना और वायुसेना को ईंधन प्रदान करने के लिए भारत के साथ काम करके ऑस्ट्रेलिया प्रसन्न है। यह अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ हमारे लंबे समय से चले आ रहे सहयोग को जारी रखने में मदद करेगा। हिंद महासागर के पड़ोसियों के रूप में तीनों देशों की क्षेत्रीय सुरक्षा के संरक्षण के लिए एक प्रतिबद्धता है। कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, अगर राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो यह देश के कांग्रेसियों के लिए निराशा की बात होगी। बहुत से लोग घर बैठेंगे और हम भुगतेंगे। उन्हें देश में आम कांग्रेसी लोगों की भावनाओं को समझते हुए खुद इस पद को स्वीकार करना चाहिए। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने लगभग 1 साल बाद सोशल मीडिया पर अपने सिबलिंग्स के साथ एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें कैप्शन में लिखा है हैट्रिक। इस पोस्ट पर उनके पिता और अभिनेता शाहरुख खान ने कमेंट किया है। अभिनेता ने अपने बच्चों की इन तस्वीरों पर कमेंट करते हुए लिखा, मेरे पास ये तस्वीरें क्यों नहीं है, मुझे अभी ये चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत स्वास्थ्य महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा, वे असली नायक हैं क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के दौरान मरीजों को बचाने के लिए अपना स्वास्थ्य और जीवन खतरे में डाला। देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। सभी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर का अमूल्य योगदान है। इस पुरस्कार को पाने वाले सभी लोगों ने संकल्प से लेकर उपलब्धि तक प्रयास किए हैं। भारत के लोगों को आधार कार्ड अपडेट करने में परेशानी ना हो, इसलिए UIDAI ने देश भर में 114 नए आधार सेवा केंद्र खोलने का फैसला लिया है। बता दें कि इन 114 आधार केंद्रों में 53 केंद्र देश के बड़े शहरों यानी मेट्रो सिटी में खुलेगा। देश भर में आधार सेवा केंद्र की संख्या 88 है, वहीं आधार सेंटर की संख्या 35,000 से अधिक है। मुंबई में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में थोड़ी राहत मिली है। BMC की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 592 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 21 अस्पताल में भर्ती हैं और 7 ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई है। इसी के साथ शहर में कुल कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर 11,38,941 हो गई है। ब्लूमबर्ग के हालिया सर्वे में सामने आया है कि भारत में आर्थिक मंदी की आशंका बिल्कुल नहीं है। अब एक और सर्वे में बताया जा रहा है कि भारत में दीपावली के मौके पर खरीदारी में 30% से ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। सर्वे के अनुसार वर्ष 2020 में शहरों में रहने वाले 29% और 2021 में 17% लोगों ने दिवाली के मौके पर खर्च करने में कमी नहीं की। IRCTC ने राम भक्तों के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है जिसकी दूसरी तरसे की यात्रा कल से शुरू होने वाली थी। इसी बीच IRCTC ने बयान दिया है कि 24 अगस्त को चलने वाली दूसरी रामायण यात्रा ट्रेन अब यात्रियों की संख्या कम होने के कारण रद्द कर दी गई है। यह ट्रेन श्री रामायण यात्रा पैकेज के तहत चलने वाली दूसरी ट्रेन है।
भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन ने कहा है कि चुनाव के दौरान मुफ्त योजनाओं की घोषणा से राजनीतिक पार्टियां को रोकने के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जरूर चाहिए। हम चुनाव आयोग को अभी कोई सख्ती नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बहस जरूरी है। यह मामला वित्त आयोग पर छोड़ देना चाहिए। जिम्बाब्वे के खिलाफ श्रृंखला 3-0 से जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी की ताजा एक दिवसीय टीम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर बनी हुई है। भारत के 111 रेटिंग अंक हो गए हैं। पाकिस्तान ने भी नीदरलैंड को 3-0 से हराया और 107 रेटिंग अंक लेकर वह चौथे स्थान पर है। न्यूजीलैंड 124 अंक के साथ शीर्ष पर है, जिसने वेस्ट इंडीज को 2-1 से हराया। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी से होगी और 12 राज्यों से गुजरते हुए जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के झंडे की बजाय तिरंगा दिखेगा। इस यात्रा का लोगो और टैग लोगो भी जारी कर दिया गया है। ये यात्रा लगभग 150 दिनों तक चलेगी। इस दौरान 3,500 किलोमीटर से अधिक का सफर तय किया जाएगा। फिल्म मेकर और लेखक करण राजदान की फिल्म हिंदुत्व का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है। इस फिल्म को जयकारा फिल्म्स और प्रगुण भारत ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म के निर्देशक करण राजदान हैं। मुख्य अभिनेता आशीष शर्मा ने मोशन पोस्टर को शेयर किया है और कहा है कि 7 अक्टूबर 2022 को देश भर के सिनेमाघरों में मिलते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है अशोक कुमार प्रजापति, नन्नू कुमार, सुदीश प्रसाद, सबहत निशा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आगामी एशिया कप में राहुल द्रविड़ के न रहने से टीम इंडिया को कितना नुकसान होगा? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।